गाइस, इस वीक के म्यूजिक बैंक ने प्रूव कर दिया कि BTS ही एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो BTS को बीट कर सकता है। दरअसल दोस्तों, म्यूजिक बैंक कोरिया का एक म्यूजिक प्रोग्राम होता है। एंड गाइस, BTS ने BTS को ही हराकर इस वीक का KBS2 का म्यूजिक बैंक जीता। बट गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गर्ल्स के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, और वो है ये हाई हील्स एंकल बूट। और कौन गर्ल्स ऐसी हो सकती है जिन्हें ये बूट पसंद नहीं हो। अगर आपको ये पसंद है और आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, म्यूजिक बैंक के 17 जून के एपिसोड में फैंस ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, 17 जून के एपिसोड में म्यूजिक बैंक को जीतने के लिए दो सॉन्ग कंपटीशन में थे, और वो कोई और नहीं बल्कि BTS का बटर एंड BTS का ही न्यू सॉन्ग येट टू कम था। यानी कि म्यूजिक बैंक को इन दो सॉन्ग में से कोई एक जीत सकता था, क्योंकि ये दोनों ही सॉन्ग फर्स्ट रैंक पाने के लिए कंपटीशन में थे। गाइस, इससे पता चलता है कि BTS की वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी कितनी ज्यादा है, कि BTS से ओनली BTS का ही कंपटीशन हो सकता है। एंड फाइनली गाइस, BTS के येट टू कम की जीत हुई। गाइस, कोरिया में ये म्यूजिक प्रोग्राम 2 साल के बाद हुए हैं, जिससे BTS के फैन काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। और गाइस, 16 जून के इस प्रोग्राम को 3,20,000 से अधिक लोगों ने देखा है, जो इस शो के एवरेज ऑडियंस का 10 गुना ज्यादा है। वैसे भी गाइस, जहां BTS खड़े हो जाते हैं उनके कॉम्पिटिशन में कोई और हो ही नहीं सकता। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। ऐसे ही और BTS वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।